10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का, जी हाँ, 26 फरवरी का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चना। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई। सीमांत सड़क संगठन स्थापित किया गया था 1960 में। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में जल की नितांत कमी झेलेंगे तो 20 करोड़ लोग। ठीक है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ? 3/4। यहाँ से आपको देख सकते हैं, ये इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं तो रिक्त स्थान है। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है। कपास नए युग का प्रतीक है। जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है। भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर का है। ये इतना हो जाएगा यहाँ पर। वायु प्रदूषण का जो कारण है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। करेंसी देश की सरकार जिसे प्रतिकृत करती है, चाय का हो जाएगा असम। गैर प्रजातंत्री देश में जाएगा चीन। नेपोलियन की हार आ जाएगा 1815। कांडला का आ जाएगा गुजरात। ठीक है भाई, ये हो गया है। इसके बाद में ये यहाँ से जोड़ी आपकी। ठीक है, हवाई जहाज बर्तन और तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है। यहाँ से आप तो स्क्रीन शॉट ले लो डायरेक्ट। ठीक है, हो गया। ये यहाँ पर है, सत्य असत्य है। पहला असत्य रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा गलत, छठा सत्य है। देख लिया, यहाँ से देख सकते हैं आप तो। अब अगला है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। ये काली मिट्टी की विशेषताएं बतानी है। मृदा प्रदान से क्या तात्पर्य? समुच्चय जुताई, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में मृदा प्रदान को रोकने थाम के कदम उठाने चाहिए। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं फटाफट फटाफट स्क्रीन शॉट लो। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर। भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? आधारभूत उद्योग। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय हो गया। सड़क परिवहन के दो गुण लिखने हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला मार्ग के बारे में बताना है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर। कार्नला के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला के प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव बताना है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है? मुद्रण संस्कृति में भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? कंपोजिटर और गेली क्या है? 18वीं और 19वीं सदी में छोपखाने की नई तकनीकों के आने का क्या प्रभाव पड़ा? गुटेनबर्ग क्या था मुद्रण क्रांति में इसका योगदान? प्रारंभिक क्षेत्र के कोई दो विशेषताएं लिखनी है। मनरेगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? श्रम कानूनों का लचीलापन कंपनियों में कैसे मदद करेगा? हो गया। मानव और दूसरे जीवधारी पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग कथन है, अंग है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ये 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया भैया।